प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल पहुंचे। पीएम सुबह करीब 11:20 पर कन्नूर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनका स्वागत किया। पीएम यहां से वायनाड पहुंचे और भू संकलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेते हुए क्षेत्र में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों का आकलन भी किया। प्रधानमंत्री इस दौरान भूस्खलन के पीड़ितों से अस्पतालों और राहत शिविरों में जाकर भी मिले। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो वायनाड के पूर्व सांसद है, ने वायनाड दौरा करने का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद अदा किया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी के वायनाड दौरे की घोषणा की थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा और गंभीर आपदा घोषित करे। 30 जुलाई को वायनाड के चुरमाला और मुंडक्कई में हुए भीषण भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। भूस्खलन में 400 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 150 लोग अभी भी लापता हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।